हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आप अपने पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर शिफ्ट की यदि 5 बार कंटिन्यू प्रेस करते हो तो क्या फ्यूचर ऑन होता है, और ये जो सिगरेट हाइड फ्यूचर है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ कि यदि आप अपने डेस्कटॉप के अंदर या लैपटॉप के अंदर शिफ्ट की 5 बार प्रेस करते हो तो कौन सा कमांड है वो ओपन होता है, पर हम लोग उसका यूज है वो कहाँ लेते हैं, और ये किस लिए बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सब चर्चा करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और चल के देखते हैं कि शिफ्ट की को 5 बार प्रेस करने पर क्या होता है और हम लोग इसका यूज है वो कहाँ पे लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं शिफ्ट की है वो 5 बार है वो प्रेस करूँगा। 1 2 3 4 5, एक ट्यून की आवाज़ सुनाई दी होगी। उस बीप के बाद आपको स्टिक की नाम से एक ऑप्शन आया, डू यू वांट टू टर्न ऑन स्टिकी की। अब स्टिकी की होता क्या है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे हम लोग कोई भी फंक्शन को यूज़ करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, जैसे आल सेलेक्ट करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल को साथ में दबा के ए दबाते हैं, तब वो आल सेलेक्ट होता है। कंट्रोल ए प्रेस करके और आल सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम लोग स्टिकी की को ऑन कर देंगे उस समय हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल एक बार ही दबाना होगा, क्योंकि फिर कंट्रोल ऑटोमेटिक ये वो प्रेस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ए दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ए हो जाएगा, आल हो जाएगा, यानी उसको हमें दबा के नहीं रखना होता। एक बार दबाएंगे वो फिर ऑटोमेटिकली दबा हुआ ही, यानी वो की लॉक हो जाएगी। तो बेसिकली स्टिकी की क्यों बनाया गया है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो, जैसे मान लो कोई टाइपिंग करता है तो किसी के एक हैंड में प्रॉब्लम होती है तो वो मतलब अपने हाथों से ऐसे काम नहीं कर पाता है, जिससे एक की को साथ में दबा के वो वर्क नहीं कर पाता, किसी भी टाइप से हैंड प्रॉब्लम हो, तो उस समय आप स्टिकी की का वो यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अब समझाता हूँ स्टिकी की का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से ऑन कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ से यस करोगे तब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टिकी की यहाँ पे आ चुकी है। और अब आपको क्या करना है, स्टिकी की को यहाँ से लाने के लिए सिंपली, जैसे मान लो आप कुछ भी प्रेस करोगे, जैसे मैंने विंडो प्रेस किया तो विंडो की यहाँ पे लॉक हो गई, यानी ब्लैक हो गई। विंडो की को मैं वापस 2 बार प्रेस करूँगा तो हट जाएगी। जैसे मान लो कि मैं अलर्ट दबा रहा हूँ, देखिए अलर्ट की है वो लॉक हो गई, 2 बार दबाऊँगा वापस हट जाएगी। शिफ्ट की दबाऊँगा, शिफ्ट की लॉक हो गई, शिफ्ट की को 2 बार दबाऊँगा तो वापस वो लॉक हट जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर पर दिखाता हूँ। सपोज मान लो ये मैंने फोल्डर ओपन कर लिया, इस फोल्डर को मुझे आल सेलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल एक बार प्रेस करूँगा, ए दबाऊँगा, फिर ऑटोमेटिक ये वो आल सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मान लो कुछ भी टाइपिंग कर रहे हो तो उस टाइपिंग के दौरान आपको मतलब ऐसे की के यूज़ करते हो तो उस समय के दौरान भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और जब भी आपको लॉक की हटानी होती है तब 2 बार हम लोगों को प्रेस करना पड़ता है, तब वो ऑटोमेटिकली हट जाती है। यहाँ पे आपको स्टिक की नाम से जब कोई भी होल ब्लैक होगा, जैसे मान लो मैंने कंट्रोल दबाया तो कंट्रोल वाला ब्लैक हो जाएगा, इसको हटाना, 2 बार प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। फिर से मुझे अलर्ट को लॉक करना है तो देखिए ये अलर्ट है वो लॉक हो गया। तो इस टाइप से ये जो की होती है उनको हम लोगों को लॉक करने के लिए काम में लेते हैं। और बेसिकली स्टिकी की हम लोगों को यहीं पे हम लोग यूज़ लेते हैं, जिससे कोई भी दो हैंड से वर्क नहीं कर पाता है तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है स्टिकी की, और इसीलिए इस फीचर को बनाया गया है। बेसिकली टाइपिंग करते समय यदि आपको बार बार दो दो की नहीं दबानी होती साथ में, तब आप इनका वो यूज़ ले सकते हो। और दोस्तों बेसिकली सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं स्टिकी की का यूज़ है, जैसे आपके कीबोर्ड के अंदर जो मल्टीप्लाई की होती है जिसको हम लोगों को साथ में दबाना पड़ता है, और टाइपिंग करने वाला बंदा एक हैंड से टाइपिंग करता है, तब उसके लिए ये की है वो बहुत ही हेल्पफुल, उसके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को स्टिकी की का मतलब है वो समझ में आ चुका होगा। तो मैंने तो एक एग्जांपल तौर पे आपको एक फाइलें सेलेक्ट करके दिखाई है, उसकी जगह आप टाइपिंग में भी काम में ले सकते हो, यानी जो भी सॉफ्टवेयर में काम लेना चाहो तो स्टिकी की को हम लोग यूज़ में ले सकते हैं, चाहे वो टाइपिंग हो
विशेष करके टाइपिंग में ही काम में लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी फंक्शन की को एक साथ में प्रेस करना पड़ता है, तब हम लोगों एक की को लॉक करके हम लोग काम वो कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अब समझ चुके होंगे कि हम लोग यदि शिफ्ट की को 5 बार प्रेस करते हैं तो ये जो फंक्शन ओपन होता है और ये जो कमांड बनाई गई है स्पेशल उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनके एक हाथ में किसी में प्रॉब्लम हो, तब शिफ्ट की को जैसे शिफ्ट है, अलर्ट है, विंडो है या जो फंक्शन की है उनको प्रेस करने में एक हाथ से दिक्कत हो या एक हाथ से कहीं फ्रैक्चर हो तो वो टाइपिंग सिर्फ एक हाथ से करते हैं, तो खासकर उन लोगों के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।